की चिल्ला मुबारक दरबार से बड़ी संख्या में तस्वीरें मिली हैं। महिलाओं लड़कियों की तस्वीरें पाई गई हैं। अटल आवास में चिल्ला दरबार बना हुआ है, तस्वीरों पर क्रॉस का निशान है। अब ये किस ओर आकर्षित कर रहा है, ये क्या बता रहा है, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। तस्वीरों का वीडियो भी सामने आ चुका है। अब संदिग्ध इस पूरे मामले को माना गया, अलर्ट पर पुलिस है। एसपी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आखिर महिलाओं की तस्वीर पर क्रॉस के निशान क्यों हैं? उन्हें टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या क्रॉस के निशान ये संकेत देते हैं कि इन महिलाओं को टारगेट पर लिया जाए, और फिर क्यों लिया जाए? सवाल तो यही है। और इस पूरे मामले में अब जांच के निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि ये चिल्ला मुबारक दरबार से बड़ी संख्या में तस्वीरें मिली और महिलाओं और लड़कियों की तस्वीरें मिली हैं, जिसमें कि अटल आवास में चिल्ला दरबार बना हुआ है, तस्वीरों पर क्रॉस का निशान भी लगा हुआ है, तस्वीरों का वीडियो भी सामने आ चुका। मामला अभी संदिग्ध पाया गया है, हालांकि पुलिस अलर्ट पर है और एसपी की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि जांच होनी चाहिए और इस बारे में पता लगाया जाना चाहिए कि आखिर महिलाओं की तस्वीर पर क्रॉस के निशान क्यों है, इसके पीछे की मंशा क्या है और किसने बनाए हैं ये क्रॉस के निशान, क्या ये टारगेट किया जा रहा है क्रॉस के निशान बनाकर। सरकारी अटल आवास पे एक मजार बना दिया गया है, उस मजार में सादिक खान और उनका पूरा परिवार झाड़ फूक का काम करता है, और कहीं ना कहीं पे वो झाड़ फूक के नाम पे वो धर्मांतरण का भी बड़ा रूप लेते जा रहा है। क्योंकि जितने आप जब हम लोग अंदर वहाँ पे गए, अंदर जाके देखे, तो अंदर पे आप देखेंगे हमारे साथ में बहुत सारी फोटोज वीडियोज है, जितने भी अवैध काम हो वहीं से संचालित हो रहे हैं। अधीक्षक कार्यालय में समाज सेवीगण उन लोगों ने जानकारी दी है मौखिक तौर पे कि कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह एक जगह मिले हैं, तो उसकी जांच के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया है। वो जाकर के चीज़ों की जांच करेंगे कि किन की फोटोज़ हैं और क्यों वहां पर मिली हैं, और जो भी प्रकरण उन लोगों ने मौखिक रूप से जानकारी। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया ये भी हमने आपको सुनाया। स्थानीय लोगों की तरफ से भी बताया गया कि कुछ महिलाओं के फोटो मिलना, उन पर क्रॉस के निशान, कई सारी आशंकाएं हो सकती हैं। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले को संवेदनशील समझ रही है और इसलिए कार्रवाई जारी है। उमेश मौर्य संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, इन तस्वीरों पर क्रॉस के निशान, वो तस्वीर जिसमें महिलाएं और लड़कियां भी दिख रही हैं, ये क्या दर्शाते हैं? क्या इस बारे में कुछ पता चल पाया है? क्या पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लिया? जांच आगे बढ़ी? देखिए, सबसे पहले तो अवैध तरीके से अटल आवास में एक दरबार बना दिया जाता है, वहाँ झाड़ फूक की जाती है, और जब इस पूरे मामले का न्यूज़ 18 खुलासा करती है तो वहाँ पर तत्काल जो है नगर निगम के जो अमला है वो कार्रवाई करता है, तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है। इस बीच कई हिंदूवादी जो संगठन है वो भी वहाँ पर मौके पर पहुँचते, तो देखते हैं कि वहाँ पर जो एक संदूक रखा था उसमें बड़ी संख्या में जो महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, उनकी फ़ोटो उनको मिली, और ये जो फोटो है उस पर क्रॉस का निशान बना था। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला संदिग्ध था, लिहाजा उस हिंदूवादी जो संगठन के लोग हैं वो एसपी से मुलाकात किए, जिसके बाद एसपी रजनेश सिंह ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल वहाँ पर जांच के निर्देश दिए हैं। ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो भी वहाँ पर पहुँची हुई है, और जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये महिलाओं के, इन बच्चियों के, इन लड़कियों की फोटो आखिर दरबार में क्या कर रहे हैं, क्या क्योंकि पहले से संवेदनशील समझ रही है इस मामले को। से वहां पर अवैध रूप से जो गतिविधियां देखी जा रही थी, संदिग्ध गतिविधियां देखी जा रही थी, इसको लेकर लगातार वहां पर पुलिस अपनी ओर से सर्चिंग कर रही थी, लेकिन एक नया मोड़ निकलकर सामने, एक नई चीज निकलकर आई सामने कि वहां पर लड़कियों और महिलाओं की फोटो निकलकर सामने। आपने एक मूवी देखी होगी द केरला स्टोरी, अगर उस स्टोरी को अगर आप जहन पे लाएंगी तो सारी चीजें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं स्पष्ट होती नजर आती है। क्या वो केरला स्टोरी से मिलता जुलता हुआ है, ये वाक्य हो सकता है क्या, ये फिलहाल जांच का विषय है, लेकिन एक बड़ी बड़ा मामला निकल कर सामने आया है। इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं के, बच्चियों के, लड़कियों की फोटो उस दरबार में क्या है, क्या फूक झाड़ के जरिए वो कुछ कर रहा था या क्या टारगेट है उसका, ये तो खैर जाँच का विषय है। अब देखना होगा कि जब एसपी ने इस पूरे मामले को जाँच का निर्देश दिया है तो क्या कुछ निकल कर आता है सामने। ठीक है, चलिए देखने वाली बात की कार्रवाई के दौरान क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका उमेश। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे